अस्सलाम असल वरह वक सो डियर स्टूडेंट्स वी विल टुडे डिस्कस अबाउट ए न्यू टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर तो जस्ट लाइक दैट ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स दिस वाटर इज आल्सो इम्पॉर्टेंट सो आवर टुडेज टॉपिक दैट इज वाटर तो अगर हम क्लासिफिकेशन के थ्रू जाएंगे रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर, करते हुए हमने कहा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सिस एग्जॉस्टिबल एंड इन इनएस्टिबल और ये वाटर कौन सा रिसोर्स है सो इट इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स तो ये वाटर जो है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी एनिमल्स है या प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स हैं दिस वाटर इज इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अगर हम देखेंगे ये वाटर जो है विदाउट फूड ये कितना इम्पॉर्टेंट है हम इस बात से देख सकते हैं कि विदाउट फूड एक इंसान जो है अगर हम अपनी बात करेंगे वो मैन कैन सर्वाइव फॉर ऑनली फॉर सिक्स मोस्टली फॉर सिक्स वीक्स तो मैन जो है वो जिंदा रह सकता है सिक्स वीक्स के लिए लेकिन कब जब उसको फूड नहीं होगा लेकिन जब उसको वाटर नहीं होगा तो विदाउट वाटर अब विदाउट वाटर तो मैन जो है उसकी डेथ हो जाएगी विद इन फ्यू डेज तो मैन की यहां पर डेथ हो जाएगी तो डेथ ऑफ मैन है डेथ ऑफ ए पर्सन है विद इन फ्यू डेज तो फूड से यानी कि विदाउट फूड एक मैन जिंदा रहेगा सिक्स वीक्स तक वो जिंदा क्यों कैसे रहेगा सिक्स वीक्स तक बिकॉज वी हैव आवर फैट रिजर्व प्रेजेंट इन अवर बॉडी तो वो फैट जो है वो उसको एनर्जी देता रहेगा और उसी एनर्जी से वो सिक्स वीक्स तक जिंदा रह सकता है लेकिन वाटर के बगैर वो वीक्स तक की तो बात ही नहीं है कुछ डेज तक भी वो जिंदा नहीं रहेगा तो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये वाटर जो है हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट ये वाटर जो है अगर हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे इस वाटर की तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज हेयर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज तो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो मेटाबॉलिक जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं तो उन वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तब होती है जब वाटर प्रेजेंट होगा तो वाटर इज एसेंशियल वाटर इज एसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अब कौन सी एक्टिविटीज होती है सम टोटल रिएक्शन एक्सप्लेस इन अवर बॉडी इट इंक्लूड बोथ द केटाबोलिज्म एंड एनाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी है वो सारी होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर सो दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल्स तो शेप जो सेल्स की होती है यानी कि जिसको टर्जिडिटी कहती है तो इट हेल्प्स टू मेंटेन, इट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी यानी कि शेप की अगर हम बात करेंगे टर्जिडिटी ऑफ सेल्स सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड थर्ड इज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी

तो अगर ये वाटर नहीं होगा तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगी और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा नहीं रहे रह सकता है तो ये मैंने यहाँ पे लिखा कि टेम्परेचर को मेंटेन करना मेंटेन टेम्परेचर होगा दोनों में अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे वहाँ पे भी और अगर हम एनिमल्स की इंक्लूडिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे दोनों में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और यही वाटर रखता है तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो ट्रांसपाइरेशन से ट्रांसपाइरेशन से वाटर जो है वो मेंटेन रहेगा ये सॉरी ट्रांसपाइरेशन से टेम्परेचर जो है इन प्लांट्स वो मेंटेन रहेगा और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो पेस्परेशन पैरस्पायरेशन यानी कि स्वेटिंग वगैरह जिसको हम कहते हैं तो उससे ये टेम्परेचर जो है ह्यूमन बींग्स का मेंटेन रहेगा तो प्लांट्स में जो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा वो ट्रांसपाशन से रहेगा और अदर ऑर्गेनिज्म जो है इंक्लूडिंग हेयर ह्यूमन बींग्स तो उनका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा विथ द हेल्प ऑफ पेरेस्परेशन दैट मीनस स्वेटिंग तो यहां पर दूसरा एक, एक और हम यहाँ के कैरेक्टर फीचर पड़ेंगे कि वाटर जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी सो रिमूवल ऑफ वेस्ट इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट तो रिमूवल ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी में तब होते हैं जब कि ये वाटर जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा अगर हम यहाँ पे कहेंगे ह्यूमन बींग्स की है अगर हम बात करेंगे तो यूरिन जो होता है तो यूरिन तब प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में वाटर होता है और उस यूरिन के साथ यूरिया होता है दैट एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी वेस्ट अगर वो हमारी बॉडी में ही रहेगा तो इंसान जो है वो उसकी डेथ हो सकती है तो रिमूवल ऑफ वेस्ट जो है इट्स पॉसिबल आनली वेन देर इज वाटर तो जस्ट लाइक देट आर द फॉरेस्ट रिसोर्सिस वाटर की हमने बात की वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाटर और मोस्टली अगर हम देखेंगे हमारी जो अर्थ होती है तो अर्थ में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर की ही होती है तो वाटर का हिस्सा ज़्यादा होता है अर्थ पे देन ट ऑफ द लैंड तो यहाँ पर मैं और लिखूंगा यहाँ पे वाटर जो होता है इट इज प्रेजेंट सेवेंटी वन सेवेंटी वन परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ